अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आप सबकी मुंजेइंदर बाय शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज था मेरा तैयारी वाला दिन। जो मेरे घर में हाउस वार्मिंग हुआ है, मेरा और शहजान दोनों का सिल्वर बटन अनबॉक्सिंग हुआ है और बहुत मजा है। आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है और आप लोगों को आई होप मजा आया होगा वीडियो देखकर। मैं चाहती थी कि मैं पहले तैयारी का डालूं, बट बहुत एक्साइटेड थी कि सब मैं एक्चुअली बहुत टाइम से रुकी थी सिल्वर बटन ओपनिंग के लिए, क्योंकि मेरा पहला आ गया था, फिर शहजान के लिए मैंने वेट किया। मैं चाहती थी कि मैं शहजान के साथ ही खोलूं। सो वो एक्साइटमेंट थी, कुछ अलग लेवल पे थी। तो आप लोग बस अभी मेरी तैयारी का देखो, उसमें कुछ ऐसा होगा जो मैंने रिवील कर चुका होगा जो भी है, बट आप लोग बस इंजॉय करो। सो चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ये है मेरा ब्राउन ब्रेड, ये है सलामी, लेटिस, थोड़ा सा मेयो यूज़ करूँगी, और ये है शहजान का मस्का ब्रेड, वो तो यही खाएंगे। तो बस अभी मैं अपना सैंडविच बनाती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा सलामी को ऐसे ही रोस्ट करूँगी, वो कुक हो जाते हैं बहुत जल्दी, और फिर सैंडविच में थोड़ा सा ये मेयो स्प्रेड करूँगी, और फिर ये सलामी ऐसे ऐसे लेयर करके अपने हिसाब से बना दूँगी। अभी हम लोग को थोड़ी रात के लिए चेयर चाहिए, तो शहजान यहाँ पे बात कर रहे हैं। शहजी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। मेरा पठान बच्चा। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पिलोज लेने, और आधा तैयारी का आप शहजान के ब्लॉग में देखना, आधा मेरे इसमें। तो चलो चल दे। तो हम लोग पहुँच गए अभी ये पिलो वगैरह ये सब लेने के लिए। इनको नरम तक क्या नहीं चाहिए, इनको कड़क चाहिए। तो अभी चलो लेते हैं, क्या लेंगे शेजी, कौन से कड़क लेने तुमको? तो चलो अभी चूज करके देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो एक पिलो लेते लेते बाकी दूसरे हमारे तख्त दीवान सेट भी ले रहे हम लोग, ये भी हो गया, और उसकी बेडशीट भी लिया है। ये कौन सी थी शीट, भूल गई हूँ। बेडशीट किधर गई, वो दीवान की नहीं, किधर? हाँ इधर है। तो ये सेट है दीवान का, सब शहजान की चॉइस है ना शहजी। चलो यहाँ से निकलते, मेरा सब काम हो गया, देखते मम्मी क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये कैमरा लेके मोबाइल लेके आ गई, अब ये भी मेरा वीडियो लोगी। लेकिन माशाल्लाह मैं इसलिए ले रही हूँ कि चादर कितनी अच्छी लग रही है दोनों, मतलब शहजान की चॉइस अच्छी है माशाल्लाह। देखे नहीं शहजान, मैं यही बोलने जा रही हूँ कि शहजान की चॉइस अच्छी है, तुमको देख लो। लेकिन माशाल्लाह सही में आप खुद वीडियो देखेंगे ना, हाँ। तो आप समझेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। और ये तो सारे तकिए है इधर, इसके खाली थोड़ा सा वो डैडी नाड़ा लेने के लिए गए। डोरी आती है ना, डोरी जो होती है ना, जो जिस ढोल जैसा जो बनता है दोनों तरफ से। मैं पहले ऐसे करो, ऐसे करके मैं पहले तकिए के कवर खुद सीती थी। नहीं, मुझे सिलाई आती थी, लेकिन मैं घर के कपड़े सीती थी, बाहर के नहीं। सही तो, मैं हाँ सही कह रही मैं। तो मेरी अगर बड़ी ननन ये वीडियो देखेगी जो अभी, हाँ। है, वो कहती थी अरे तू गांव तकिए के कवर भी देखो सीना, और मैं वो पीछे जो गोल होता है ना, अगर जो सिलाई जानते हैं उनको मालूम पड़ेगा, मैं आप लोग को बताती पूरी डायरेक्शन। ये जो दो साइड के, अभी तो ये ऐसा नहीं है, हमें ना ये जो है ना सेम, हाँ, देखो ये, हाँ, ये मैं घर में करती थी ऐसा गोल काट के, ऐसा चून लेके तो रुई डालते थे अपन ना, तो अच्छा गंदा नहीं। अच्छा तक के कवर की बात कर रहे हो। मतलब नाड़ा नहीं डालते थे आप? अरे एक तरफ नाड़ा होता था, एक तरफ अच्छा ऐसा, आप मेरे को पहले तकिया दिखा। तो मैंने कहा कि मैं ये ऐसे ही कवर सीती थी मुंजरीन, ये मुझे तुमसे या अल्लाह। लेकिन अच्छे लग रहा चादरों के बीच। तो मैं ना मतलब मुझे गांव तक का मतलब मैं घरेलू सिलाई अच्छी करती। तो देखो गाइस, अगर आप लोगों को गांव तक के कवर सी, अब नहीं करते ना, लेकिन अब तो मशीन ही नहीं है मेरे पास मशीन, लेकिन आप कपड़े भी सीते थे ना बच्चों के? बच्चों के, मेरे भाई बहनों के बच्चों के, बुशरा के कपड़े जो नहीं, बेबी फ्रॉक, शहजान का कुर्ता भी मैं सी चुकी, सिर्फ कुर्ता, हाँ इजार नहीं, मतलब। लेकिन आप शहजान के वो स्लीव्स भी टाइट करते थे ना, याद है मुझे, वो आके बोलते थे ना ऐसा आता था, बाइसेप्स, और बोलता था मम्मी
मैसिव है ना ये टी शर्ट, थोड़ा बाइसेप्स के जगह पे टाइट करो उधर एक इंच, लेकिन अब भी दो एकदम अब भी। फिर मैं सीती थी, फिर बेचारे शेजान के डैडी को भी अगर तेरी माँ बिजी है ना तो ला मैं, मतलब हम लोग इसके ना क्या बोले तुमने अभी दर्जी थे, नहीं नहीं तो, क्या बाइसेप बाइसेप वो एक एक इंच हम लोग दोनों सीते थे, क्योंकि मैंने खुद देखी हूँ मशीन पहले हुआ करती थी। बुशरा के कपड़े तो मैंने बचपन में बेबी फ्रॉक बोलो भाई बहनों मतलब छोटे और अपने कपड़े सीती थी बाहर के नहीं, लेकिन पर्दे सोफे के कवर तकिए के सब मैं सीती। लेकिन मुंजरीन ने बोली मैं गद्दा पीस चुकी, मुझे बहुत हंसी आ रही। अभी चादर कैसी लगी? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, लेकिन सही में अभी पूरा सेट हो जाएगा तो ज्यादा अच्छी लगेगी। और मैं चादर में मैं कैसी लगी? अच्छे लग रहे एकदम अलग कलर लग रहा है ना, गद्दा पीस खाली ब्यूटी, खाली ये ब्लू आपके उससे मैच कर गया। अच्छा ये ब्लू, हाँ चलो आ जाओ अभी पूरा तकिया करके दिखाती हूँ, पूरा सेट करते हैं। मम्मी ने मेरे को काम पे देखो कि एक देखो 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 ये लड़की है नीचे से कवर ये देखो बोल रही है मम्मी मेरे को गाँव तक कवर कैसा ना वो डालू डोरी, तो मैं कुछ नहीं बोली मेरा हाथ में हाँ तो अभी कौन करेगा बोलती, मैंने बोली लो चलो अभी कवर चढ़ा, कवर नहीं नाड़ी। हाँ अच्छा डैडी ने लाके दे दिए। हाँ डैडी ने नहीं, पहले थोड़ा ये गैप खोलो, हाँ ये खोलो बहुत ज्यादा अल्लाह ये मुंजरीन के काम अल्लाह, नहीं तो वो तो एक के बाद एक ऐसा निकले गई। अब आया मुंजरीन सही है ना? हाँ सही है, अभी गाट मार दो। अरे लेकिन वो नाड़ी दांत अल्लाह ये लड़की क्या है कैसे? अच्छा देखो एक मिनट ऐसे ही रखो, देखो एक मिनट ये लड़की नाड़ी दान तक नहीं निकाल रही, उसी के साथ गांट मार रही है। मैं पहली बार मतलब नाड़ी दान किसी में इतनी को, हाँ देखो अब हो गया ना, हाँ क्या करूँ ये हो गया ना, बस अब निकालो नहीं निकले, और अब दूसरे में और ज्यादा नहीं है बेटा, आप लोगों पूरा सेट और सुनो ज्यादा नहीं है, चार गांव तक ही है उसमें आठ जगह पे डालना है, सबसे बड़ा काम है मुंजरी। अंदर भी बेडशीट बिछानी है, इतने कपड़े पड़े देखो अभी मैं देख लूँ, मैंने बिछा दिए बस एकदम खाली लग रहा है वो। जब ये आएगा ना मैं एक डालती हूँ ना ये डाल, हाँ लाओ जाओ जब तक इसको तो सजाओ, अभी मैं इसको सजाने जा रही हूँ। हाँ ये हाँ इधर है, मैं तो एकदम ऐसे एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि हम लोग सब तकिए पापड़ बन चुके हैं। बुशरा ने उस दिन नहीं बोली आके रात में, बोले मम्मी वो तुम्हारे पापड़ का है, अंदर के भी पापड़ हो गए इधर के भी सब पापड़ हो गए, तो ऐसा इन लोग है ना पापड़ बोले ना तो बहुत, तो बस देखा मैं लेकर आ गई। हाँ मेरे जैसे तकिए मेरे जैसे तकिए मुंजरीन अभी गाइस आपको लाउड करके सुनना मैंने क्या बोली, या अल्लाह ठहरो अभी शहजाद को बोलती हूँ बस सही है। हाँ अभी इसमें गाँव तकिए की जरूरत नहीं है सच बोलूं तो, ऐसे कोई बैठेगा हाँ? रुबाब में अभी मुंजरीन अंदर अभी बिछाएगी, यहाँ से ही दिख रहा है। हाँ, अभी मुझे अंदर भी बिछाना है। चलो पहले तो तुम ये है ना जितनी जितने गांव तक ये सब ये मैं इसको सिखा रही हूँ आज कि ये नाड़ी कैसे डालते हैं। गद्दे का बिजनेस खोलने वाली गाइस बाबा प्लीज मुंजरीन देखो नीचे से फिर मत निकालना, देखो वो भी खाली है आप नहीं उठाना। चलो फिर कोई आया चलो देखा जाए, ये क्या बुशरा? हाँ बुशरा वालेकुम अस्सलाम बेटे को पढ़ी देखा मैंने बोला ना बुशरा ही बुशरा बुशरा अभी बुशरा भी दो टके में नाड़े डाल। अच्छा बुशरा मैं दो में डालूंगी, बुशरा भी दो में डालेंगे, इसको सबसे बड़ा भारी काम दी हूँ। ये देखो गाँव तकिए करते करते इनको याद आया कि मैंने सिर्फ मेन कोर्स मंगाया है, दाल गोश मंगवाया है, तो इन्होंने बोला स्टार्टर क्यों नहीं, तो मैंने बोला स्टार्टर मेरा भटियारा नहीं दे रहा है एक, तो इन्होंने फोन घुमाए इन्होंने फोन घुमाया हमारी भटियारा पटेल है। कितना होएगा डिलीवरी का बात करो? अच्छे अच्छे तो भाई अगर अपन कच्चे रोड तक आके ले लेवे तो चलेगा? ये देखो नानी के नानी की ड्यूटी, शयान तुझे पता है तू नहीं था इतने दिन से और अभी भी उनको कब से तेरा वेट कर रहे थे, नानी अपसेट बैठे थे, तू आया तो वो खुश हो गए, देख देख शयान देख, सच्ची बोलते नानी ने बिगाड़े ना शयान,
बोलना क्या। और ये देखो ना अभी बेचारे मासूम बच्ची सो रही है, बहुत मासूम है। हुआ क्या कुछ? पाउडर हुआ क्या? हुआ क्या? तो वो एक रोल में कितने लोग खा सकते हैं? एक रोल में दो आदमी का है। चलो ठीक है, मैं आपको एक दो मिनट में फोन करती हूँ, डिस्कस करते हैं। हाँ पूछ दरिया पूछ। चलो चलो हम डिस्कस करते हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं। जैसे बुशरा जी आए हैं तो मैंने इनके लिए कुछ लाया था। वैसे मैंने तुम्हारे आज के ब्लॉग में देखी तुम कुछ गिफ्ट पेपर वेपर ले रहे थे। नहीं वो नहीं, वो नहीं वो नहीं है वो। नाइस, ये जो आपको पसंद आया था तो ये आपके लिए। लास्ट टाइम मैंने इससे पूछी थी कि ये कौन सा है, देखो मैं खोल के इसे अप्लाई करूंगी गाइस। ये अभी फिलहाल है आई थिंक मेरे होठों पे। हाँ, आपके होठों पे अभी लगाएगा शयान। शयान आ जा। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर। इंशाल्लाह आमीन। और बस हमारी बस हमारी रात की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। पानी वानी सब आ गया, किचन भी चमचमा रहा है हमारा, और हमारे सब ये सारी चीजें भी देखो भर गया माशाल्लाह से पूरा। शयान चलिए, तो मैडम सो गई है, सुन रहे है। यस, हम लोग मैं और शहजान जाकर लेकर आए। मतलब मुंजरी में बहुत तगड़ी आज तगड़ी वाली मैंने आज तगड़ी वाली तैयारी की है। और इतनी झूठ बोली मुझे, मैंने बोली ये क्यों इतना खर्चा करे, बोले कुछ नहीं बताई कि इतना इतना हुआ है। फिर है ना इसने मेरे को कुछ लाके बताई, मैंने उसको भी काउंट कर ली तो मेरे को झूठ बोली, मतलब से ज्यादा हुआ है। शहजान शयान ने तो कॉपी राइट नहीं, क्या चीज था? और अच्छा वो कपड़े वपड़े। अच्छा जो जैसे दो मैंने लगाए दो ये लगाएंगे। वैसे तो मैंने एक ही मैंने दो साइड लगाई ना, लेकिन मैंने कौन से दो नहीं बताई थी, मैंने दो साइड बोली थी। ये लड़की तो मैं ये काम में कितनी, दोनों को बेजा रही है। बाय, मैं जा रही हूँ। जाओ देखो जो दूसरे खर्चे बोल रहे हैं ना वो ये बोल रहे हैं। आवाज कम करना बेटा, दो ये सारे मतलब जब ये लोग आएंगे ना तो उनके लिए मतलब जैसे गौर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना तो हमारी भाभी जी का सबका और मतलब हमारी सासू माँ सबको देंगे। सासू माँ सास ससुर तो चले जाएंगे, शायद उनके फ्रेंड आए बेस्ट फ्रेंड, तो ये सब नानी मम्मी गौहर की मम्मी और गौहर के लिए बस ये सब ये खर्चा है। मम्मी का भी था। अरे मम्मी का तो इधर है, मम्मी का इधर है। बुशरा जी का आया ना आपका गिफ्ट दी ना मैंने। मुझे और शहजान को खुश होना चाहिए आज, है ना? फिर मैंने देखी इसने किटकैट का डब्बा ली तो मैं बोली कुछ गेम वेम खिला रही है शायद ही। अभी वो आगे आप लोग देख लेना मैं क्या कर रही हूँ। दूसरा दो चलो बाय। अभी गेम नहीं खिला सकती है आज, गेम नहीं क्योंकि जगह रहेगी, जगह रहेगी तो हम लोगों ने चेयर्स भी मंगवाए। हाँ सो फाइनली ये भी गिफ्ट रैप हो गया और ये किसको मिल रहा है ये फिर से आप लोग वेट करो। मैं आज ये पहनने वाली हूँ क्योंकि मेरी सासू मॉम ने मुझे ये दिया था जब मेरा 100K हुआ था, तो वो गिफ्ट है। तो आज ओपनिंग है तो मैंने ये ड्रेस पहना है, आई मीन मैं पहनने वाली हूँ। सो अब पहन कर मिलते हैं। सो मैं रेडी हो गई हूँ और माशाल्लाह से सूट कितना प्यारा लग रहा है क्योंकि मेरी सासू माँ ने प्यार से दिया है। तो बस अभी हम लोग थोड़ी तैयारी कर लेते हैं और मुझे ये अब तक गिफ्ट रैप करना है तो मैं गिफ्ट रैप कर रही हूँ। वो क्या है वो आप लोगों को पता चलते रहेगा बाद में, आगे तो पता चलना ही है तो वेट करो। सो शेजी अभी आ गए हैं। किटकैट तो चलो कल मैं ही ले ली थी, लेकिन तुमने अंदर क्या लाया वो दिखाओ। अंदर हमने लाए हैं गुलाब के फूल और कुछ नहीं पता है लोगों मैंने ये सब क्यों मंगाया है। yes. ये सब आगे पता चलेगा इनको। yes, yes. और हार है दो, वो भी नहीं पता किसी को कुछ भी, आपको भी आगे देखना बहुत मजा आएगी। सो अभी हम लोग डिनर की तैयारी कर रहे हैं, ये लोग के आने से पहले ये बाद में पूछ लेना स्पून सब लेकर आना है। सो माय गोल्डन स्पून गोल्डन है माँ मेरा हमेशा रहता ही है, आप कुछ ना कुछ गिरता ही। तो बस अभी हमें सैलेड रेडी करना है। सैलेड में क्या है?
सैलेड में मैं बीटरूट भूल गई और क्यूकम्बर है। सब हिंदी में बोलो चलो। ककड़ी, टमाटर, हाँ, पियो पियो अरे वो होते ना भाजी वाले, कुल्फी वाले बेचने वाले आवाज करते ना ऐसे, ले लो। ये तो होना ही था। इसको फिर बहुत लोग पूछते हैं कि ये डिनर सेट की प्लेट कहाँ से ली है। ये डिनर सेट की प्लेट मुझे मेरे पापा ने दी थी जब मैं शादी कर कर आई थी। शादी में जो देता है ना, क्या बोलते उसको, बरी। हाँ हाँ। अरे लेकिन कहाँ से लिए वो लोग को जानना है। बरी नहीं, जहेज। जहेज आई थिंक हाइपर सिटी से लिया हुआ। हाइपर सिटी। ओके गाइस, तो जो जो पूछ रहे थे, जो जो पूछ रहे थे उनको उनका जवाब मिल गया है। सो ऑलमोस्ट एक साइड स्पून वगैरह, प्लेट्स वगैरह रेडी हो गई है। और ये थोड़ी अलग है, ये अलग है, तो इतनी सारी एक जैसी प्लेट नहीं थी। ये अपना फ़ोन पर बिजी है, कुछ काम नहीं कर रहा शे जी। नहीं, सारा बाहर का सामान यही लेकर आए। और हमारी ननन जी यहाँ पर सैलेड बना रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत काम है। लग रहा अचानक से बहुत काम है, पूरा दिन आराम किया ऐसा लग रहा है, बट नहीं, बहुत काम किया यार उन्होंने, बहुत शॉपिंग कर किया। दिखाओ तो आप क्या कर रहे हो आज, नहीं बल्कि ये लोग कल कर रहे हैं। हाँ सही बोल रहे, है ना। सो चलो अभी ऑलमोस्ट हो गए तैयारी, अभी दाल गोश आना बाकी है। व्लॉग दो पार्ट में आएगा कि एक पार्ट में आएगा? आई डोंट नो सीरियसली। तो अभी ये दाल गोश का वेट करते हैं, बाकी सब रेडी हो गया है। सो फाइनली दाल गोश भी आ गया है और अभी हम लोग थोड़ी वेलकम ड्रिंक की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ मोहित, ठीक है। अभी कितने है? मेरा गला भी बैठ ज्यादा है लोग समझो अराउंड 15-16। तो इसमें उसके ये सिरप डाल के रख देती हूँ, बाद में जब ये लोग आएंगे तो फ्रेश बनाकर वेलकम। ठंडा पानी है बस, खाली पूछ रहे थी थोड़ा जल्दी आ गए मेरे मोहित तो लाने से पहले, लेकिन इन लोग को साथ में देंगे वेलकम, तभी वापस करेंगे। अच्छा लो दिखाओ। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, शहद जैसा लग रहा है ना। ये कुछ नया फ्लेवर है, ये मैं पहली बार ट्राई करूंगी। और ये मैं नया फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर है बस। तो अभी सीधा पूरा टेबल सजाकर मिल जाओ। ओके, और लोग कम हो गए तो इमरान भाई भी लग गए काम पर। थैंक यू इमरान भाई। हाँ इमरान भाई, एकदम कलर कॉम्बिनेशन में रखो, रेड येलो ग्रीन। अच्छा येलो नहीं है, सॉरी। हाँ ये ग्रीन, नहीं इमरान भाई ऐसे रखो, एक ऑरेंज इधर डालो, आई मीन रेड इधर डालो, एक ग्रीन उधर डालो। हाँ बस परफेक्ट, ऐसे थम्स अप इमरान भाई, वेरी गुड। इसको देखो आप क्या कर रहे हो। केक लेकर आ गए शहजान ने, दोनों इन्होंने। हाँ चला आ जाओ। सो इसके बाद सारे मेहमान आ चुके थे, मेरे सारे घर वाले आ चुके थे और बहुत मजा किया। आप लोगों ने तो ये सब देखा ही है। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे। बहुत प्यार देते हो आप लोग और बहुत अच्छा लगता है और दिल करता है कि आप लोग के साथ हमारी सारी खुशी दुख सब कुछ शेयर करें। सो बस ऐसे प्यार करते रहो। अल्लाह हाफिज़।